क्या आपको पता है कि चाय में कितनी चम्मच चीनी डालनी चाहिए, या फिर चाय में अदरक क्यों डाला जाता है, या फिर ये इलायची का चाय में असली काम क्या है? अगर नहीं पता तो घबराइए मत, बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी के भी साथ हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको किचन में नहीं, थिएटर्स में मिलेंगे। क्या सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ? अरे नहीं भैया, बहुत सीरियस बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। फिल्म एक शायर की शायरी की तरह है, जिसमें शायर अपनी मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं। तो इस फिल्म में शायर हैं डायरेक्टर ओमंग कुमार और उनकी मोहब्बत है नरेंद्र मोदी, जिनका रोल प्ले किया है विवेक ओबेरॉय ने। शायरी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि चांद तारे तोड़ लाना मन बनावटी बातें हैं और असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर डाला गया है, जिसमें ये बात साफ कर दी गई है कि फिल्म की कहानी पूरी सच नहीं है। मतलब डायरेक्टर साहब ने कुछ घटनाओं को काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, जिससे उनकी मोहब्बत दुनिया को सच्ची लगनी चाहिए और उनके इश्क पे सवाल उठाना गलत बात होगी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो एक फिल्म का रिव्यू है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कनेक्शन किसी जिंदा इंसान के साथ है, तो बस एक संयोग की बात है। अगर इस वीडियो से किसी अनभक्त की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो कृपया आप खुद इस फिल्म को एक बार देख लें, उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। फिल्म की कहानी का लीड कैरेक्टर है नरेंद्र नाम का एक बच्चा, जिसके दिल और दिमाग में खून के साथ देशभक्ति बहती है। नरेंद्र का ब्लड ग्रुप आम इंसानों की तरह एबी पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह कुछ भी नहीं है, उसके ब्लड ग्रुप का नाम है इंडिया। नरेंद्र एक गरीब परिवार से हैं और उसके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते हैं और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धुलने का काम करती हैं। और उनका रोल फिल्म में सिर्फ 5 मिनट का है। इसके बाद फिल्म की कहानी 15-20 साल आगे बढ़ जाती है, जब नरेंद्र एक नाटक में एक्टिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे नरेंद्र विमेन एम्पावरमेंट की स्पीच देते हैं और नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब शादी के लिए उनके घर लड़की वाले उनसे मिलने आते हैं, तो नरेंद्र उनको बीच में ही छोड़कर सन्यासी बनने चले जाते हैं। शायद नरेंद्र की डिक्शनरी में औरतों की रिस्पेक्ट करने का यही तरीका होगा, वरना नरेंद्र जैसा परफेक्ट देशभक्त एक औरत को डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बाद फिल्म में हमें इंडियन पॉलिटिक्स की सच्चाई दिखाई जाती है, जिसमें बीजेपी को छोड़कर देश की बाकी जितनी भी पार्टी हैं वो सभी भ्रष्ट हैं, सबके सब चोर हैं, अच्छा कौन है, सिर्फ बीजेपी। अरे बीजेपी की तो फुल फॉर्म भी भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे में बीजेपी के ऊपर सवाल उठाना तो गलत बात होगी ना। कुछ सीखिए फिल्म के डायरेक्टर से, आज के बाद कोई भी बीजेपी को फालतू बदनाम नहीं करेगा, ठीक है। फिल्म में नरेंद्र की आम से खास बनने की जर्नी दिखाई जाती है, जिसमें वो कभी आतंकवादियों के सामने झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, तो कभी इंदिरा गांधी के मुंह पर पेपर फेंक के मार देते हैं। लेकिन नाम बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना। इसके बाद तो नरेंद्र को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कभी वो गुजरात में जाकर लोगों के लिए खुदाई करते हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच डॉक्टर और पुलिस दोनों का काम करते हैं। उनके ऐसे कारनामों से इंप्रेस होकर उनको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और उसके बाद उनको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। देखिए, सिनेमा का काम होता है दुनिया की सच्चाई को पर्दे पर लाना, लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर ने सच और झूठ को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया का इन्वेंशन किया है, जिसमें भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, उसमें एग्जिस्ट करते हैं नरेंद्र, जिनके सामने भगवान का कद भी थोड़ा छोटा लगता है। मतलब एक बार हो सकता है कि आपके भगवान कुछ गलत कर दें, लेकिन नरेंद्र अपनी जिंदगी में सिर्फ सच बोलते हैं और सिर्फ अच्छे काम करते हैं। अगर आपने उन पर सवाल खड़े किए तो आप बन जाएंगे फिल्म के विलन, नहीं तो आपको मनमोहन सिंह बना दिया जाएगा, जिनका फिल्म में बिना कुछ बोले ही काफी मजाक उड़ाया गया है। फिल्म वैसे तो 2 घंटे की है, लेकिन आप शुरुआत के 2 मिनट के बाद ही समझ जाते हैं कि ये फिल्म एंड कैसे होने वाली है। कौन बुरा है, कौन अच्छा है, ये तो आप फिल्म देखे बिना भी बता सकते हैं। बस घर का टीवी ऑन करिए और न्यूज़ चैनल खोलिए, मीडिया वाले आपको एकदम सच बता देंगे। फिल्म को जरूरत से ज़्यादा शुगर कोट किया गया है, जिससे एक टाइम के बाद आप इससे खुद को दूर रखना शुरू कर देते हैं। वैसे भी आजकल शुगर का इलाज बहुत महंगा है और पैसे पेट पर उगते नहीं हैं, मतलब असली दुनिया में तो नहीं उगते, लेकिन नरेंद्र भाई की दुनिया में ये सब पॉसिबल है। बस आपको करना इतना है कि लॉजिक और सेंस को गोली मार कर सिर्फ भक्ति पर पूरा ध्यान देना है। फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस है इसकी कमजोर स्टोरी लाइन, जो जरूरत से ज्यादा बनावटी है और एक टाइम के बाद आपके दिमाग में चुभने लगती है। फिल्म की कहानी के पीछे एक प्रोपोगंडा है, जिसका काम है एक इंसान को ऊंचा दिखाना और बाकी सभी को नीचा दिखाना। मतलब अगर खुद नरेंद्र मोदी जी भी इस फिल्म को देखेंगे तो वो बाद में जरूर बोलेंगे, यार ये तो मैं हूं ही नहीं। फिल्म में आपके सामने बस रिजल्ट रख दिए गए हैं, लेकिन उस रिजल्ट तक पहुंचे कैसे वो कुछ भी नहीं बताया गया। मतलब आपने क्लास में एग्जाम दिया और टीचर ने 5 मिनट बाद आपको रिपोर्ट कार्ड दे दिया, जिसमें आप फेल हो गए, तो आप पूछोगे ना, यार मेरी आंसर शीट तो दिखाओ। लेकिन नहीं, इस फिल्म में सिर्फ रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी पूरे स्कूल को टॉप कर रहे हैं। फिल्म की दूसरी बड़ी कमजोरी है कि इसको फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक न्यूज़पेपर की तरह दिखाया गया है, जिसमें बड़ी बड़ी हेडलाइंस का जिक्र तो होता है, लेकिन उनके नीचे वाला कॉलम पूरा खाली है। फिल्म में गोधरा कांड जैसे सीरियस इशू के ऊपर सिर्फ 2 मिनट का सीन
दिखाया गया है जिसमें आपको बता दिया गया है कि ये सब कुछ कांग्रेस वालों का करा धरा है और नरेंद्र भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिल्म में 3-4 गाने भी डाले गए हैं जो आपको देशभक्ति के नाम पे सेंटी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिल्म बीच में इतनी बोरिंग हो जाती है कि आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी खुद विवेक ओबेरॉय हैं जो फिल्म के चक्कर में खुद को खो बैठे हैं और नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर में घुस गए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है कि ना तो वो विवेक जैसे लगते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी जी जैसे। उनके डायलॉग से लेकर उनके लुक सब कुछ एकदम नकली लगते हैं और ऑडियंस का दिल जीतने में पूरी तरह फेल हो गए हैं। फिल्म का डायरेक्शन एकदम वीक है, कोई भी सीन कहीं पर भी शुरू हो जाता है और कहीं पर भी खत्म हो जाता है। फिल्म में कभी भी कहानी 5-10 साल आगे बढ़ जाती है और बीच का सब कुछ पीछे छोड़ दिया जाता है। फिल्म को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है जिनका फाइनल रिजल्ट एकदम फीका साबित होता है। तो यार देखो, बाहर मौसम वैसे भी थोड़ा गर्म है तो अपने घर से फालतू में बाहर बिल्कुल मत निकलो, वो भी ऐसी परियों जैसी कहानियां सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके सच होने के चांसेस हमारे देश के समझदार होने के चांसेस के बराबर हैं। मेरी तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को 5 में से 1 स्टार, वो भी भक्तों का दिल रखने के लिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।